इज ऑल अबाउट पेरिस फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम एंड कितनी कॉस्ट है कौन सी यूनिवर्सिटीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स. हेलो नमस्ते एंड बॉन्जोर फ्रॉम पेरिस. तो आज का वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज पेरिस के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात होने वाली है, स्पेशली द फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम. कोई भी जो स्टूडेंट है जो कभी भी अब्रॉड में MBA लग्जरी मैनेजमेंट ब्रांड और इस तरीके की कोर्सेज प्लान करता है, सो आई एम प्रिटी श्योर कि वो पेरिस को नहीं भूल सकता. एंड कहीं ना कहीं पेरिस का जो है वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स होता है. सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि पेरिस आपको क्यों चूज़ करना चाहिए अपने बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए, एंड सेकेंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप ईजिली एडमिशन ले सकते हैं अलॉन्ग विद द स्कॉलरशिप्स. कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिना पेरिस को ध्यान में रखे हुए अपनी अब्रॉड एजुकेशन प्लान नहीं कर सकता. एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं कि जैसे फैशन या लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट के लिए पेरिस फेमस है, बट ऑफकोर्स पेरिस में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं. अब पेरिस की एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हो सकती बिना ये सोचे कि हम पेरिस स्कूल ऑफ बिजनेस को कंसीडर करें. सो कुछ एन नंबर ऑफ रीजंस हैं जिसकी वजह से पेरिस स्कूल ऑफ बिजनेस वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं अगर आप MBA प्रोग्राम्स फिनेंस या लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट कंसीडर कर रहे हैं. कुछ ऐसे एक्रेडिशंस हैं वर्ल्ड में जो सिर्फ टॉप 2% बिजनेस स्कूल्स के पास ही होते हैं, एंड पेरिस बिजनेस स्कूल उनमें से वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है. जो एक्रेडिशंस के मैं आपको नाम बताऊंगी वो मैं मेंशन भी कर दूंगी यहाँ पे, उसमें एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजेस स्कूल ऑफ बिजनेस आता है, सेकेंड आपका यूरोपियन फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट, थर्ड एसोसिएशन ऑफ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फोर्थ आपका बिजनेस ग्रेजुएट्स एसोसिएशन. ये कुछ ऐसे एक्रेडिशंस हैं जो सिर्फ 2% वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस को मिलते हैं, और इसमें पढ़ना वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर्स को हिट करने के बराबर है. सेकेंड जो फोरमोस्ट रीज़न है, आपको पेरिस स्कूल ऑफ बिजनेस का एलुमिनी नेटवर्क ज़रूर चेक करना चाहिए. इनके बहुत अच्छे अच्छे क्लब हाउसेज हैं और ये टोटल दुनिया में 107 कंट्रीज में स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पढ़ने आते हैं. सो एलुमिनीज के हिसाब से एवरेज सैलरी पास आउट होने के बाद जो फ्रांस में मिलती है वो 43,840 यूरोज मिलता है, एंड अब्रॉड में जो स्टूडेंट्स पास आउट होकर गए हैं जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उनको अभी तक 54,597 यूरोज का रिकॉर्ड है. ये डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं. थर्ड जो फॉरमोस्ट रीज़न है वो स्टूडेंट एसोसिएशन है जो काफ़ी सारे फील्ड्स में एक्टिव है, जिसमें आपके स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल, फिनेंस, मीडिया, क्रिएटिविटी एंड मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब में काफ़ी ज़्यादा फेमस है. यू शुड एक्चुअली चेक आउट दिस टू. मैं वेबसाइट का लिंक आपको ज़रूर नीचे ड्रॉप बॉक्स कह रही हूँ मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, एंड वो आप हमारी वेबसाइट पे www.desiog.org पे भी चेक कर सकते हैं. फोर्थ जो फॉरमोस्ट रीज़न है वो ये है कि आपको यहाँ पे बहुत बड़ा एरस्मस नेटवर्क मिलेगा स्टूडेंट्स का. टोटल 107 कंट्रीज़ में से लोग यहाँ आते हैं, एंड आपको बहुत बड़ा एक नेटवर्क मिलता है जो कि आपको यूरोप में सेटल डाउन होने के लिए हेल्प करता है. एंड फॉरमोस्ट रीज़न है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो ये है कि अगर आप फिनेंस के स्टूडेंट हो तो आपको ज़रूर पेरिस स्कूल ऑफ बिजनेस कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज इनका जो फिनेंस का प्रोग्राम है वो सिर्फ 1 ईयर का प्रोग्राम होता है और उसमें आपको CFA एंड PRM सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं. सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. सो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो पेरिस स्कूल ऑफ बिजनेस आपको देता है. स्कूल ऑफ बिजनेस बेसिकली फेमस है अपने मास्टर प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं जिसमें स्टूडेंट्स को सिर्फ 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम चाहिए होता है. काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा प्रेफर कर लेते हैं, PGDM कोर्स कर लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए, बट अगर आप पेरिस स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन लेते हैं तो आप 1 ईयर में अपना प्रॉपर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं. जो सेगमेंट आते हैं इनके पास वो है आर्ट्स एंड कल्चरल मैनेजमेंट, जो इनका वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्सेज में आता है. देन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, अगेन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि टूरिज्म में बहुत ज़्यादा पैसा है यूरोप में. इंटरनेशनल फिनेंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये CFA एक्रेडिटेड कोर्स है आपका. इंटरनेशनल मैनेजमेंट, देन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, लग्जरी एंड फैशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेटा एनालिटिक्स, परचेजिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे हैव द प्रॉपर MBA कोर्स, देयर इज मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. आई एम सॉरी कि मैं देख के पढ़ रहा हूँ, बट इतने सारे कोर्सेज तुरंत याद रखना मेरे लिए मुश्किल है. सो ये सभी आपके 1 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं, और आपके पास 2 इनटेक्स आते हैं. पहला आप फेब में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो, एंड दूसरा जो इनटेक आता है वो सितंबर इनटेक आता है. सो आप दोनों में ही आराम से अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं. दोनों ही इनटेक्स में आपको आराम से एडमिशन्स मिल जाते हैं और बहुत टाइम पे वीज़ा लोगों का अप्रूव हो जाता है.
अदर देन दैट इनके पास डॉक्टरल प्रोग्राम भी है आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड ऑफ कोर्स दे हैव द इंग्लिश टॉट प्रोग्राम दैट इज बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीबीए में इनके पास 5 स्पेशलाइजेशन हैं, सो इन फ्यूचर जाके आप कोई एक सर्टन स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं। पेरिस स्कूल ऑफ बिजनेस में या किसी भी फ्रेंच यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनेस्टली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑफिशियल पार्टनर हैं गैलीलियो ग्लोबल एजुकेशन ग्रुप के। एंड किसी भी फ्रेंच यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करके देंगे एंड वी वुड बी देयर विद यू टिल योर लास्ट वीज़ा फाइनलाइजेशन। सो जस्ट मेक श्योर कि आप हमारी वेबसाइट चेक करें, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स एंड किसी भी इनटेक में आप रेडी हैं, आप आराम से अपनी फाइल प्रोसेस करवा सकते हैं। इट हार्डली टेक्स अप्रॉक्सीमेटली अ वीक और मोर एंड विद इन 7 to 8 days फ्रेंच वीज़ा अप्रूव हो जाता है। फीस जो है वो रेंज करती है इनकी अप्रॉक्सीमेटली 8,000 euro से दे बिगिन द फीस एंड डिपेंड करते हैं आप कौन से क्रेडिट में एडमिशन ले रहे हैं, आप 90 ECTS कर रहे हैं या 120 ECTS कर रहे हैं। सो मैक्सिमम जो रेंज आती है वो आपकी 18,000 यूरोज तक जाती है फॉर 1 year एंड ऑफकोर्स द यूनिवर्सिटी ऑफर्स लॉट ऑफ स्कॉलरशिप जो आपके अकेडमिक परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। सो आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड ऐसे बहुत सारे हम वीडियोज़ बनाने वाले हैं। ये सीरीज़ है जो स्पेशली हम फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस के लिए शुरू कर रहे हैं, सो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस नहीं करें एंड आई एम श्योर कि आपको अपनी पसंद का कोई ना कोई ऐसा कोर्स ज़रूर मिल जाएगा जो आपको पेरिस में करने का मन होगा। सो बाय बाय, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू, बाय बाय।